अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आज आप हज़रात की खिदमत में ख्वाब में किसी फ़कीर साहिल को मांगते हुए देखना या किसी फ़कीर और साहिल को कुछ देना कैसा होता है, ये और इससे मुतालिक चंद अहम ख्वाबों की ताबीरें आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। पहला ख्वाब है फ़कीर को मांगते हुए देखना। अगर कोई शख्स ख्वाब में किसी फ़कीर को मांगते हुए देखे तो इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला तंग दस्ती मुफलिसे से गुरबत से नजात हासिल करने की कोशिश करेगा। यानी अगर ख्वाब देखने वाला तंग दस्त है मुफलिस और गरीब है तो फिर वो इस मुफलिसी और गुरबत से नजात हासिल करने की कोशिश करेगा। और अगर ख्वाब देखने वाला मुफलिस गरीब तंगदस्त है ही नहीं मालदार है तो फिर इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला अपने गुनाहों से अल्लाह से माफ़ी मांगेगा और अपने गुनाहों की बख्शिश चाहेगा अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा करेगा। यानी ये ख्वाब अच्छा है। दूसरा ख्वाब है ख्वाब में फ़कीर को सदका या खैरात देना। किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि वो किसी साहिल और फ़कीर को सदका और खैरात की रकम या कोई सामान दे रहा है तो इसकी ताबीर ये है कि अगर ख्वाब देखने वाला बीमार है तो वो बीमारी से नजात पाएगा, सेहत और शिफा नसीब होगी। और अगर ख्वाब देखने वाला तंगदस्त है तो तंगी उससे दूर होगी और ज़िंदगी में खूब राहत और सुकून हासिल करेगा। यानी ख्वाब में सदका और खैरात किसी फ़कीर को देने का ख्वाब अच्छा होता है। याद रखें अच्छे ख्वाब अल्लाह की जानिब से नेमतें होते हैं और नेमतों के बारे में कुरान का उसूल है कि जब नेमतों पर शुक्र अदा किया जाता है तो नेमतें बढ़ती हैं। इसलिए जब भी कोई पसंदीदा और ऐसा ख्वाब देखें जिसकी ताबीर अच्छी हो तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तीसरा ख्वाब है फ़कीर से कुछ लेना। ख्वाब में किसी शख्स ने देखा कि वो किसी साहिल या फ़कीर से कुछ ले रहा है ख्वाब में तो याद रखें ये ख्वाब अच्छा नहीं है, बल्कि ये परेशानी या गम में मुबतला होने की अलामत है। और इसमें इस जानिब इशारा है कि ख्वाब देखने वाला किसी तरीके की परेशानी या गम में मुबतला होगा, ये ख्वाब अच्छा नहीं है, इसकी ताबीर अच्छी नहीं। जब भी कोई ऐसा ख्वाब देखें जिसकी ताबीर अच्छी ना हो तो ये काम करना चाहिए कि वो ख्वाब किसी से बयान न करें। इसलिए कि हदीस पाक में आता है कि जब बंदा कोई ख्वाब देखता है तो वो ख्वाब परिंदे के पांव से बांध दिया जाता है, जब तक वो उसको किसी से बयान नहीं करता तो हकीकी ज़िंदगी पर उस ख्वाब का कोई अच्छा बुरा असर जाहिर नहीं होता। इसलिए जब भी कोई नापसंदीदा ख्वाब देखें तो वो किसी से बयान न किया करें। चौथा ख्वाब है किसी फ़कीर को देखना। किसी शख्स ने ख्वाब में किसी फ़कीर को देखा, बस ऐसे ही, उसको कुछ दिया भी नहीं और उसको मांगते हुए भी नहीं देखा है तो इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला गुर्बत और अपनी मुफलिसी के लिए फ़िक्रमंद होगा और अल्लाह ताला से दुआ भी करेगा, ज़ाहिरी कोशिश भी करेगा कि अल्लाह ताला उसको गुर्बत और तंगदस्ती और मुफलिसी से नजात नसीब करें। और अगर वो पहले से तंगदस्त और मुफलिस नहीं है तो अल्लाह ज़िंदगी में कभी भी उसको तंगदस्त ना बनाए, ऐसी वो दुआ करेगा और ऐसे उसके लिए असबाब पैदा होंगे। पांचवा ख्वाब है खुद को मांगते हुए देखना। किसी शख्स ने ख्वाब में खुद को सवाल करते हुए मांगते हुए देखा है तो उसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला लोगों की नज़र में हकीर होगा और उसको फिक्र कोई परेशानी या टेंशन लाहिक होगी, कोई परेशानी पेश आएगी। यानी ये ख्वाब अच्छा नहीं है। दोस्तों ये हमने आप हज़रात की खिदमत में साइल और फ़कीर से मुतालिक पांच अहम ख्वाबों की ताबीरें अर्ज की हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों से शेयर कीजिए और अपने किसी भी ख्वाब की ताबीर जानने के लिए
हमारी किसी भी वीडियो की कमेंट सेक्शन में अपना ख्वाब लिखते हुए नाम बताएं, फिर फ्राइडे का वेट करें। इंशाअल्लाह ताला फ्राइडे की वीडियो में आपके ख्वाब की ताबीर ज़रूर बयान की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।